अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेलर 2 के बारे में, जो कि एपिसोड 71 का है, दूसरा ट्रेलर जो आ चुका है। इसमें दिखाया गया है कि लुकास और सोफिया दोनों सोगुत शहर में आ चुके हैं और उस्मान बे के साथ माहिदा कर रहे हैं, लेकिन उस्मान बे की एक प्लानिंग होगी जहां पर इसने पहले से ही एक प्लान किया होगा कि सोगुत में अपने सिपाही पहले से ही तैनात किए जाएंगे और उसके बाद लुकास को दिखाया जाएगा कि सोगुत शहर खाली है, आप ये ले सकते हो। आपने ट्रेलर में देखा होगा कि उरहान और अलादीन भी दोनों फाइट कर रहे हैं बाज़ंतीन के लिबास में, जो कि उस्मान बे की एक प्लानिंग होगी और वहीं पर उरहान बे थोड़ा सा ज़ख्मी हो जाएगा तीर लगने की वजह से, लेकिन वो बच जाएगा, उसके साथ कुछ नहीं होगा। और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि लुकास ने पहले ही बयान बे से मुलाकात की है और उसने बयान बे को कह दिया है कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगा, आप मुझे उस्मान की प्लानिंग बताओ। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस्मान को पहले से ही बयान बे ने बताया होगा कि लुकास मुझसे मिलना चाहता है, तो उसने उसको वहाँ पर भेज दिया होगा। लेकिन शक की ये बात है कि वहाँ पर बयान बे खुफिया तौर से गया है, तो क्योंकि ऐसा भी है कि बयान बे को पता है वहाँ पर उस्मान का जासूस है, तो इसलिए वो खुफिया तरीके से गया होगा। और एक सीन ये भी दिखाया गया जहाँ पर करासी बे के पास एक सरदार जाता है जो उसकी बैत करता है। ये उस्मान बे का एक सरदार है जो कि करासी बे के पास जाता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पर उस्मान बे ने उसको जासूसी के लिए भेजा होगा, क्योंकि करासी बे के पास उसका कोई जासूस नहीं है। किले में तो इलबे है लेकिन करासी बे के पास कोई जासूस नहीं है। और यूँ फातिमा खातून को बचा लिया जाएगा, वहाँ पर सोगुत शहर भी वापस लिया जाएगा और इसी एपिसोड में फातिमा खातून को भी बचाया जाएगा। और आपने ट्रेलर में ये देखा होगा कि जहाँ पर अलादीन बे, उरहान बे और उस्मान बे तीनों एक साथ होते हैं, तो उनकी पूरी फैमिली एक साथ होती है, तो वहाँ पर ये फातिमा को बचाया जाएगा और सरोजा बे और यूसुफ बे को भी बचाया जाएगा। बाकी आगे क्या होता है, क्या सोफिया बेनकाब हो जाएगी इस एपिसोड में, वो तो हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।